मॉर्निंग। आज हम लोग स्नैपशॉट का पहला लेसन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो विलियम सरयोन की लिखी हुई स्टोरी है। पहले टाइटल देखिए, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये पूरी जो स्टोरी है उसी हॉर्स के इर्द गिर्द घूमती है, राइट फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। दैट्स व्हाई द स्टोरी इज टाइटल्ड एज द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये पूरी कहानी गर्मी का समय है, शुरू से लेकर अंत तक उसी हॉर्स के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए ये टाइटल रखा गया द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये स्टोरी दो गरीब आर्मेनियन बच्चों के बारे में है, जिसकी फैमिली जो है गार्डोलेनियन फैमिली, ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी, और 1100 वर्षों से वह परिवार अपने सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसी परिवार के दो बच्चे अरम और मुराद क्या अपने परिवार के 1100 वर्षों की परंपरा को कायम रख पाएंगे या नहीं, इस चीज को हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे। और जो अंडरलाइन इसका मैसेज है स्टोरी का, वो दो तीन चीजों पर केंद्रित है। पहला तो ऑनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी आज भी सर्वोत्तम नीति है। दूसरी चीज कि हम दुनिया के नजरों में गिरकर जी सकते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने ही नजरों में गिरकर कभी नहीं जी सकता। जो आत्मग्लानी होती है वो हमें जीने नहीं देती। तीसरा, द इसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकेंड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, कि किसी भी व्यक्ति के अंदर की अच्छाइयों को हम आपसी समझदारी और प्यार से ही जगा सकते, हम नफरत से किसी का दिल नहीं जीत सकते। ये सारी चीजों को ये स्टोरी अपने आप में समेटे हुई है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जिन जिन कैरेक्टर से सामना होगा पहले उन कैरेक्टर को देखें। तो इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है अरम। उससे पहले दिस स्टोरी इज अबाउट, दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज जिनके नाम थे अरम एंड मुराद। अरम एंड मुराद हु बिलोंग टू गार्डोलेनियन लेनियन फैमिली हुज हॉलमार्क्स, विशेषता हॉलमार्क्स वर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये कहानी दो गरीब आर्मेनियन अमेरिका के सेंट जैक्वन वैली में एक ट्राइब रहती है गार्डोलेनियन, और जो भाषा बोलती है वो आर्मेनियन है। तो उसी गार्डोलेनियन परिवार के दो सदस्य अरम और मुराद के बारे में है। उस परिवार की विशेषता क्या थी,
विश्वास और ईमानदारी जो 1100 वर्षों से अपने इस विश्वास ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। एक ऐसा भी समय था जब गार्गोलेनियन फैमिली दुनिया के सबसे अमीर प्रजातियों में जानी जाती थी, लेकिन उस समय भी उनकी जो हॉलमार्क्स थी दैट वाज ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। और आज जब वो दुनिया की सबसे गरीब ट्राइब में आ गए थे, लेकिन इस समय भी उनकी जो विशेषता थी दैट वाज ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। वे भूख से मर सकते थे लेकिन इतने स्वाभिमानी कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते थे। चोरी का तो प्रश्न ही नहीं उठता था उस परिवार में। देखिए, सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है आरम। ही इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, नैरेटर ऑफ द स्टोरी। आरम इस स्टोरी का नैरेटर है, वर्णन करता है, यही हम नैरेट कर रहा है इस स्टोरी का। इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी के प्रारंभ में, बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, ही वाज 9 years ओल्ड। कितने वर्ष का था वो? 9 वर्ष का था। इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी ही वाज 9 years ओल्ड। हॉर्स राइडिंग वाज, हॉर्स राइडिंग वाज हिज ड्रीम ऑफ लाइफ, उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी करना। बट हिज इंटायर फैमिली वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, लेकिन उसकी पूरी जो परिवार थी, पूरी जनजाति, वो गरीबी से त्रस्त थी। खाने के लिए पैसे नहीं थे तो घोड़ा खरीदने का तो प्रश्न ही नहीं था। अब प्रश्न है कि अरम घोड़ा खरीद नहीं सकता था क्योंकि वे लोग बहुत ही गरीब थे। चुरा नहीं सकता था क्योंकि बहुत ही वे ईमानदार थे। किसी से मांग नहीं सकता था क्योंकि वे बहुत ही स्वाभिमानी थे। तो ना वो खरीद सकता था, ना वो चुरा सकता था, और ना किसी के आगे हाथ फैलाकर मांग सकता था। तो क्या आसमान से घोड़ा आएगा जो उसके सपनों को साकार करेगा? क्या अरम के सपने साकार हो पाएंगे या नहीं, इस स्टोरी में हम लोग इस चीज को देखेंगे। दूसरा जो कैरेक्टर है वो मुराद। He was the cousin of the narrator. ए अरम का चचेरा भाई था। He was the owner of his own desire. वो अपने मन का मालिक था। He used to do what he liked. उसे जो पसंद आता था वही करता था। He did not pay attention to others' pleasures एंड पेंस। वो दूसरे के सुख दुख पर कोई ध्यान नहीं देता था। उसे जो इच्छा होती थी वही करता था। अगर पूरी दुनिया कह रही है
कि आज होली है, तो कहता है कि नहीं आज दीपावली है, हम दीप जलाएंगे मेरी मर्जी। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? पागल। इसलिए जितने लोग उसे जानते थे, उसे क्रेजी के रूप में जानते थे, लेकिन नैरेटर अरम उसे क्रेजी नहीं मानता था। पेंस सो ही वाज कंसीडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी, हर कोई उसे पागल मानता था एक्सेप्ट द नैरेटर, लेकिन नैरेटर जो अरम है उसे पागल नहीं मानता था। ही वॉज वेरी काइंड, वह बहुत ही एक बहुत बड़ी उसकी क्वालिटी थी कि वो बर्ड्स और एनिमल के प्रति बहुत ही उदार था। ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी काइंड टुवार्ड्स बर्ड्स एंड एनिमल्स। हम लोग देखेंगे स्टोरी में कहीं पक्षियों से बात करते हुए तो कहीं घोड़े से बात करते हुए इसको। ही वॉज वेरी काइंड टुवार्ड्स बर्ड्स एंड एनिमल्स। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है खुशरुख। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है स्टोरी का खुशरुख। ही वॉज द अंकल ऑफ अरम एंड मुराद। अरम और मुराद का एक अंकल था खुशरुख। ही वॉज एंड इनोर्मस मैन, बहुत ही शक्तिशाली था। इनोर्मस मैन विथ पावरफुल हेड, एंड द लार्जेस्ट मुस्टैक इन सैन जैकमैन वैली। सैन जैकमैन वैली में रहने वाले लोगों में सबसे लंबी मूंछ रखता था ये खुशरो। ही वॉज फ्यूरियस इन टेम्पर, ही वॉज फ्यूरियस इन टेम्पर, स्वभाव से ही बहुत ही गुस्सा करने वाला था। फ्यूरियस इन टेम्पर एंड ही यूज्ड टू स्टॉप एनीबॉडी फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। इट इज नो हार्म, इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई हानि नहीं, इस पर कोई ध्यान नहीं दो। यही जुमला बार बार वो दोहराता था, पे नो अटेंशन टू इट। दैट्स वाई ही वॉज कंसिडर्ड, दैट्स वाई ही वॉज कंसिडर्ड क्रेजी। हर परिवार की अपनी जो एक खासियत होती है, उसमें जो गार्गोलेनियन परिवार की जो खासियत थी, उस आवारापन और संकीपन, ये दोनों का वास्तविक उत्तराधिकारी था पहले खुशरो, और खुशरो का सारा ये नेचर ट्रांसफर हो गया था मुराद में। तो खुशरो जो है वो अंकल है अरम और मुराद का, वो शक्तिशाली व्यक्ति था, लंबी मूंछ रखता था, सैन जैकमैन वैली में सबसे लंबी मूंछ रखने वाला, और बात बात पर वो चिढ़ जाता था। अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो
चाहे वो मामला खुशी का हो या गम का, तो उस व्यक्ति को वो चिल्लाकर रोक देता था यह कहकर कि इट इज नो हार्म, इसमें कोई हानि नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो, चाहे मामला खुशी का हो या गम का। अगर किसी के यहाँ डेट भी हुई है और व्यक्ति अगर रो रहे हैं तो चिल्लाकर रोक देता ये कहते हुए कि उसकी मौत हो गई, इसमें कोई हानि नहीं, इस पर ध्यान मत दो। स्टोरी में हम लोग देखेंगे एक ऐसा इंसिडेंट कि एक बार जो है वो खुसरो अपने घर से आठ मकान के बाद एक बार्बर शॉप नाई की दुकान पर बैठ करके और ट्रिम करवा रहा था अपनी मूंछों की, तभी उसका बेटा दौड़ते हुए जाता है और बोलता है कि घर में आग लग गई। खुसरो आराम से चेयर पर बैठा रहा और बोला कि घर में आग लगी है, इट इज नो हार्म, इसमें कोई हानि की बात नहीं। नाई को लगा कि कैसा आदमी है, दूसरे के घर में आग लगती है तो लोग दौड़ कर जाते हैं, इसका अपना बेटा ये इंफॉर्मेशन लेकर आया है कि खुद के घर में आग लगी हुई है और ये आदमी बोल रहा है इट इज नो हार्म। तब वो नाई बोलता है कि तेरा बेटा कह रहा है कि तेरे खुद के घर में आग लगी है, और चिल्लाकर नाई पर ही वो बोलता है कि आई से इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मैं कहता हूं ना कि इसमें कोई हानि नहीं, इस पर ध्यान मत दो। तो सोचिए इस प्रकार का व्यक्ति था, इसलिए इसे जो है संकी कहा जाता था, पागल कहा जाता था, और इसका सारा नेचर जो है वो ट्रांसफर हो गया था मुराद में। नेक्स्ट जो कैरेक्टर से हम लोगों का सामना होगा इस स्टोरी में, जॉन बायो। जॉन बायो ही वाज एन असीरियन फार्मर, असीरिया देश का रहने वाला था ये। ही हैड लर्न टू स्पीक बट ही हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन भाषा सीख गया था टू गेट रीड ऑफ हिज लॉन्गलीनेस, अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए यह सीख लिया था जो है आर्मेनियन लैंग्वेज। जोरा ही वॉज द फादर ऑफ मुराद का ये पिता था, बिल्कुल व्यवहारिक व्यक्ति, लेकिन राइटर कहते हैं कि कोई किसी का शारीरिक पिता हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वह उसका मानसिक पिता हो, अर्थात जस्ट अपोजिट था अपने पिता का मुराद। मुराद का शारीरिक पिता जरूर जोरा था लेकिन उसका मानसिक पिता था खुसरो, क्योंकि सारे नेचर उसके मैच करते थे खुसरो से। और एक और कैरेक्टर अरक, ही वॉज द सन ऑफ खुसरो। इतने कैरेक्टर से हम लोग इस स्टोरी में मिलेंगे, लेकिन मेन कैरेक्टर जो है अरम, मुराद, खुसरो और जॉन बायो, यही चार मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी का। जहां से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, अरम अपने बचपन के दिनों को याद करता है, वन डे बैक इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वॉज 9 एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस एंड लाइफ वॉज अ स्टील ए डिलाइटफुल एंड मिस्ट्रियस ड्रीम, माई कजन मुराद केम टू माई हाउस एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड वोक मी अप बाई टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम।
यहीं से स्टोरी की शुरुआत है। पहली जो लाइन, अरम अपने बचपन को याद करता है, उन दिनों की बात कर रहा है जब उसकी उम्र मात्र 9 वर्ष की थी। उसकी दुनिया रहस्य और रोमांच से भरी पड़ी थी। उसका अपना चचेरा भाई मुराद, जिसे जितने भी लोग जानते थे, किस रूप में जानते थे, पागल के रूप में जानते थे, एक्सेप्ट मी कह रहा है कि मेरे अतिरिक्त, वो 4 बजे सुबह अरम के घर आता है और डायरेक्ट आवाज देकर नहीं, उसे जगाता है टैपिंग, दैट मींस नॉकिंग, खटखटा करके। अब देखिए कि मुराद उसका अपना भाई था, मेन दरवाजे से भी आ सकता था, लेकिन आता कहां से है, खिड़की के पास, और आवाज नहीं देकर पहले टैपिंग करता है। तो क्यों आता है वहां पर, किस उद्देश्य से आता है, अरम क्या देखता है खिड़की के बाहर, अब हम लोग अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।